जापान उस तुरे से तू चट्टान मत बना, कुछ बाल सर पे रहने दे मैदान मत बना। लोगों ने इतना पीटा मुझे सांस तक ना आई। देख लो, ये मैं अदब के दायरे में बेअदब की बात कर रहा हूँ जी, कि लोगों ने इतना पीटा मुझे सांस तक ना आई, आंखों ने खता की थी, गालों ने सजा पाई। शैलेश जी, अभी पांडे जी मेरे ताल्लुक से कुछ कह रहे थे जी, मैं चाहता हूँ कुछ पंक्तियां उनकी नसर कर दूं। देखिएगा कहां तक सच्चाई है। हाँ। ये उनके लिए चार लाइन पढ़ता हूं मैं। जापानी उस तुरे से तू चट्टान मत बना, गा 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 गा। जापानी उस तुरे से तू चट्टान मत बना, कुछ बाल सर पे रहने दे मैदान मत बना। कुत्ते ने चीख चीख के मांगी यही दुआ, गा 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 गा। अरे कुत्ते ने चीख चीख के मांगी यही दुआ, गा गा। कुत्ता ही मुझको रहने दे इंसान मत बना, कुत्ता ही मुझको रहने दे इंसान मत बना, गा 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 गा। और यूं ये मैं आपके लिए पढ़ता हूं, यूं 50-50 बोल के धंधा लगा दिया, गा 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 गा। लंगड़े के साथ मांगने अंधा लगा दिया, और भैया का टकला देख के भाभी ने यूं कहा, गा 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 गा। ये किसने मेरे चांद पे रंदा लगा दिया, भैया का टकला देख के भाभी ने यूं कहा, गा 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 गा। ये किसने मेरे चांद पे रंदा लगा दिया। चार लाइन पढ़ता हूँ, देखिएगा जी। ख्वाहिशे दिल की आम होने तक, ख्वाहिशे दिल की आम होने तक, मेरा दुनिया में नाम होने तक, मेरा दुनिया में नाम होने तक, अपनी बाहों में योगी रहने दे दूसरा इंतजाम होने तक। अरे दूसरा चल रहा है मेरा गधा कैसे, देखो तो खेत फिर भी गए हरा कैसे, क्या बात है, खेत फिर भी गए हरा कैसे, जब किसी शोख ने छुआ ही नहीं हो गया आम पिलपिला कैसे। आइए दोस्तों, मैं गीत पढ़ता हूँ, देखिएगा तमाम लोगों की तवज्जो चाहता हूँ, जो मेरे साथ गुजरी है। पांडे जी देखेंगे, गीत नहीं, एक आध चार पंक्ति और पढ़ दीजिए, एक मुखला एक बंद, बहुत अच्छे गीत। अच्छा, मैं चाहता हूँ, कल रात मेरी बेगम ने मुझको दौड़ा दौड़ा के मारी, फुकने फुकने अरे अरे फुकने फुकने अरे 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 फुकने फुकने अरे अरे फुकने फुकने अरे 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 फुकने फुकने अरे अरे फुकने। इतनी पड़ी बरसों बाद मुझको, इतनी पड़ी बरसों बाद मुझको, मिट गई मेरी सहारी, खुजली खुजली अरे अरे खुजली खुजली अरे 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 खुजली खुजली अरे अरे खुजली। आइए आखिरी बंद देखिएगा, मेरी साली छुपी हुई थी, अच्छा, मुर्गी के दरबे में गए, साली मेरी छुपी हुई थी मुर्गी के दरबे में, खटखट की आवाज जो आई रात के सन्नाटे में, खटखट की आवाज जो आई रात के सन्नाटे में, तो सास मेरी आवाज सुन के, तो सास मेरी आवाज सुन के,
मुझसे घबरा के बोली घुसी बकरी बकरी अरे अरे 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 बकरी। गल रात मेरी बेगम ने मुझको दौड़ा दौड़ा के मारी फुकने फुकने अरे अरे फुकने फुकने। क्या बात है, बहुत बढ़िया। लोगों ने इतना पीटा मुझे सांस तक ना आई। देख लो, ये मैं अदब के दायरे में बेअदब की बात कर रहा हूँ जी, कि लोगों ने इतना पीटा मुझे सांस तक ना आई, आंखों ने खता की थी, गालों ने सजा पाई और अपने छक्के छुड़ा के बैठ गए। देखिए कर्नल साहब, अपने छक्के छुड़ा के बैठ गए, बुरी नजरें गड़ा के बैठ गए और घूर कर एक ट्रक को देख लिया, मुंह को काला करा के बैठ गए। बहुत अच्छे। मुंह को काला करा के बैठ गए। मैं अपनी दौर आगे बढ़ाता हूँ कि हम ताक झांक करके मुसीबत में आ गए। अच्छा अच्छा, ये सब पुरानी आदत है मेरी, लेकिन होता क्या है इसके साथ कि हम ताक झांक करके मुसीबत में आ गए, दो चांटे जिंदगी को कहानी बना गए। दो चांटे जिंदगी को कहानी बना गए और हमने निकाह कर लिया हकली के साथ में जी। हमने निकाह कर लिया हकली के साथ में, हम उसकी गूंगी अम्मी की बातों में आ गए। हमने निकाह कर लिया हकली के साथ में, हम उसकी गूंगी अम्मी की बातों में आ गए। और आजकल फैशन का जमाना, और मेरा शेर देखे कि जुल्फों में हाथ फेरना महंगा पड़ा हमें। अच्छा, जुल्फों में हाथ फेरना महंगा पड़ा हमें। जुल्फों में हाथ फेरना महंगा पड़ा हमें, जितने थे सर पे बाल वो हाथों में आ गए। जितने थे सर पे बाल वो हाथों में आ गए और लेके गए थे रैली बड़ी शान से, मगर आजकल रैलियों का दौर है जी जी जी। लेके गए थे रैली बड़ी शान से, मगर भगदड़ मची तो नेताजी लातों में आ गए। भगदड़ मची तो नेताजी लातों में आ गए। और भारी पड़ी हमें तो ये मेहमान नवाजियां, भारी पड़ी हमें तो ये मेहमान नवाजियां, खालू इधर गए तो उधर मामू आ गए। बहुत अच्छे। अभी शरद पवार जी से एक पत्रकार ने पूछ लिया था जी कि शरद पवार जी आपके साथ ये घटना कैसे हुई, तो शरद पवार जी बोले, देखिए पहले जो लकवा मार गया और अब के सरदार मार गया। ये बड़ी समस्याएं हो जाती हैं जी। बाबा रामदेव जी से भी एक ने पूछ लिया कि बाबा जी आप भारत सरकार के बारे में कुछ कहेंगे, तो बाबा बोले, देखिए भारत सरकार ने मेरी आंखें खोल ली। दूसरे पत्रकार बोले, बाबा आप दबाते भी बहुत थे।